जल्दी से। प्लांट फैमिलीज कौन कौन सी थी? फेबेसी, ब्रासिकेसी, डैट इज अ फेबेसी और डैट इज अ ब्रासिकेसी, या एक काम कर लेते हैं डैट इज अ सोलेनेसी ताकि दिक्कत ही खत्म हो जाए, और डैट इज अ लिलिएसी। और क्रूसी फेरी को मैंने अलग लिख दिया है। कोई परेशानी है? हाँ जी, ओके। क्रूसी फेरी का ही दूसरा नाम है डैट इज अ ब्रासिकेसी। कौन सी है? डैट इज अ ब्रासिकेसी। फिलहाल इनको ऐसे ही सीरीज में याद रखना है, और इसको याद रखने के लिए आपको क्या याद करना है? हाँ जी, आपका नाम। ओके, ये क्या थे? फेबेसी, ये क्या था? सोलेनेसी, और ये क्या था? लिलिएसी, लिलिएसी। क्या ये बात सही है या नहीं है? Yes, और लास्ट मैंने कहा कि ये रहा ब्रासिकेसी, और ब्रासिकेसी किससे मैच करती हुई है ज्यादातर, किससे है? सोलेनेसी से। फिलहाल ये छोटी सी बात आप समझ में याद रखिए। क्लियर है यहाँ तक बात? नहीं है? यस सर। ओके, चलिए। तो सबसे पहले मैंने आपको सिंबल्स बताए थे, याद है? ओके, अच्छा अच्छा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट द फ्रो फ्लोरल फॉर्मूले की। किसकी बात कर लेते हैं? फ्लोरल फॉर्मूला। आपको याद है मैंने सिंबल्स आपको शो करके दिखाए थे, याद है? यस सर। ओके, तो फिलहाल कौन कौन सी फैमिलीज थी जरा बताइए जल्दी से। फेबेसी, दूसरा सोलेनेसी, तीसरा लिलिएसी। क्या ये बात सही है? यस सर। ओके, तो अब अगर याद हो आपको तो ये बताइए कि फ्लावर के अंदर हमें फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ना है ना यहाँ पर? यस सर। तो फ्लोरल फॉर्मूले का मतलब यहाँ पर हम फ्लावर का फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। किसके फॉर्मूले की बात कर रहे हैं? फ्लावर। फ्लावर के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि फ्लोरल फॉर्मूले की बात करें तो ये रहा बेसिकली, फ्लोरल माने क्या था? फ्लावर। That is flower. Flower. तो हम फ्लावर के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। सबसे पहली कौन सी फैमिली थी? फेबेसी। That is not a फेबेसी, it's a फेबेसी। कैसी? फेबेसी। दूसरी? सोलेनेसी। और तीसरी? लिलिएसी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, जब हम फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर में कितने पार्ट थे जरा याद करके बताइए जल्दी से। चार। कौन कौन? स्टेमन, पिस्टल। सबसे पहले क्या आएगा? सेपल, पेटल। सेपल, देन पेटल, देन स्टेमन, पिस्टल, देन पिस्टल या कार्पेल। क्या ये बात सही है? नहीं है? यस सर। हाँ जी, तो हम जब फॉर्मूले में यूज करेंगे सेपल के लिए, सेपल के ग्रुप का मतलब क्या था? डेट इज अ कैलिक्स, याद है? कैलिक्स, यस सर। पेटल के ग्रुप का? कोरोला। स्टैमिन के ग्रुप का? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। और पिस्टिल के ग्रुप का? गाइनोशियम। दैट इज अ गाइनेशियम। अच्छा, कैलिक्स को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते थे हम, जरा जल्दी से बताइए। के। कोरोला? सी। सी। एंड्रोशियम? ए। ए। गाइनेशियम? जी। जी, जी। तो क्या ये चारों पार्ट इनमें होंगे नहीं होंगे, इन फैमिलीज में, इन फ्लावर में होंगे? yes, नहीं होंगे? yes, तो अगर होंगे तो मैंने कहा कि इसको याद करने का तरीका है डेट इज काली चरण आ गया। कौन आ गया? काली चरण। डेट इज काली चरण आ गया। क्या ये बात सही है या नहीं है? काली चरण क्या है? काली का मतलब है के स्टैंड फॉर कैलिक्स, सी स्टैंड फॉर कोरोला, ए स्टैंड फॉर एंड्रोशियम,
एंड जी स्टैंड फॉर गाइनेशियम। नहीं आई अभी बात समझ? जल्दी बताइए। हाँ सर आ गई। क्या समझ में आया? यानी ये सीक्वेंस को आज सच याद रखना है आपको, इस सीक्वेंस में नहीं। हाँ जी, तो फिर से मैंने यहाँ लिख दिया डेट इज काली चरण आ गया। क्या ये बात सही है? नहीं है? यस सर। ये कौन सी फैमिली है? लिलिएसी। और लिलिएसी फैमिली में क्या चीज प्रेजेंट होता है? क्या सेपल और पेटल्स होते हैं? नहीं होते हैं लिलिएसी में? क्या होता है, सेपल और पेटल होते हैं? नहीं होते बताइए। तो यहाँ लिलिएसी फैमिली में होते हैं टेपल्स, और टेपल्स के ग्रुप को क्या कहते थे जरा याद करिए जल्दी से। तो डेट इज पेरिएंथ। तो ये तो आ गया, आ गया एंडोशियम और गाइनेशियम, और इन दोनों की जगह पर एक ही स्ट्रक्चर था, डेट इज पेरिएंथ था या नहीं था यहाँ पर? यस सर। तो यहां तक कुछ बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। आया ना? यस सर। ओके, तो नंबर वन पे कौन है बताइए? 1, 2, 3। क्या ये बात सही है या नहीं है? यस यस सर। ओके, मैंने कहा कि ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया यहां पर भी और यहां पर भी। ब्रैकेट लगाने का क्या मतलब हुआ? फ्यूज्ड। फ्यूज्ड है, यानी फैबेसी फैमिली में कितनी कार्पल है? अरे भैया कितनी कार्पल है फैबेसी में? एक है, देख लो वन लिखा हुआ है यहाँ पर। यस सर। सोलेनेसी में कितनी कार्पल है? दो। और लिलिएसी में कितनी कार्पल है? तीन। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो तीनों फ्यूज्ड हैं, यहाँ पे देखा जाए तो दोनों फ्यूज्ड हैं, यहाँ पर एक ही थी तो फ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर सब में ये मैंने एरो लगा दिया नीचे, इसका क्या मतलब है? ओवरी सुपीरियर। इसका क्या मतलब है? ओवरी सुपीरियर। इसका मतलब ये बताइए फैबेसी में कितनी कार्पल? एक। तो आपने कहा कि मोनोकार्पलरी और सुपीरियर ओवरी, तो फ्लावर क्या कहलाएगा? सुपीरियर ओवरी फ्लावर क्या कहलाता था? हाइपोगाइनस फ्लावर। क्या कहलाता था? हाइपोगाइनस। इसके बारे में बताइए जल्दी से, इसके बारे में, सोलेनेसी वाले के बारे में क्या कहना है? हाँ जी, बाइकार्पलरी। बाइकार्पलरी डेट इज दो कार्पेल है ना, जब दो कार्पेल है तो बाइकार्पलरी और सिनकार्पस है, ओवरी सुपीरियर फ्लावर बताइए। इसके लिए आपने क्या कहा, क्या क्या बताया आपने? डेट इज अ बाइकार्पलरी। बाइकार्पलरी क्या ये फ्यूज्ड है या फ्री है? फ्यूज्ड है। तो इसका मतलब सिनकार्पस ओवरी क्या है? जेबा कैसे पता चलता है ओवरी सुपीरियर है? सर जब सारे फ्लोरल पार्ट्स, अरे पकाओ मत, जब नीचे लाइन खड़ी होती है, नीचे लाइन लगी है तो इसका मतलब है ओवरी सुपीरियर है। यहाँ पर जब हम दिखाते हैं, अभी हम फ्लोरल फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, तो फ्लोरल फॉर्मूले में हमें सुपीरियर ओवरी दिखाने के लिए क्या करना होगा? तो हमें नीचे एक लाइन खींच देनी है, इससे क्या होगा कि ओवरी सुपीरियर नजर आ रही है। और फ्लावर क्या कहलाएगा जल्दी बताइए? हाइपोगाइनस फ्लावर। हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा चलिए जल्दी से मुझे ये बताइए, नेहा कहाँ गई? नेहा जल्दी बताओ इस वाले में, लिलिएसी में बताइए क्या बताएंगे जल्दी से, लिलिएसी में क्या क्या होगा? पॉलीकार्पलरी। दैट इज ट्राईकार्पलरी। थ्री कार्पल और साइन सिनकार्पस। सिनकार्पस क्यों सिनकार्पस? सब फ्यूज्ड है। देखिए पहली बात, तीन कार्पल थी तो इसीलिए ट्राईकार्पलरी। तीनों कार्पल फ्यूज्ड हैं तो इसका मतलब सिनकार्पस। ओवरी कैसी है? सर नीचे बार में तो इंफीरियर होती थी, ऊपर बार में नहीं नहीं, अगर ऊपर बार होगा तो इंफीरियर है और नीचे बार है तो देख लीजिए, नीचे बार लगा के सबसे ऊपर है ओवरी। ओवरी सुपीरियर है। ओवरी क्या है? सुपीरियर। और अगर ओवरी सुपीरियर होती है तो फ्लावर क्या होता है?
हाइपोगाइनस। दैट इज अ हाइपोगाइनस। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। नहीं आई, यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बताइए हाँ या ना। ओके 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 ओके। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कौन सी फैमिली है? फैबेसी। ये कौन सी फैमिली है? सोलेनेसी। और लिलियसी, ठीक है। अच्छा ये बताइए तीसरे नंबर पे कौन सी फैमिली है? ब्रैसिकेसी। तीसरे नंबर पे ब्रैसिकेसी है, कहाँ है? लिलियसी। दैट इज लिलियसी है। जब लिलियसी तीसरे नंबर पर है तो ये थ्री पक्की बात है या नहीं है? यस सर। क्या है? yes, क्या लिखा है यहाँ पर मैंने? हाँ जी बताइए जल्दी से। लिलियसी के अंदर 3+3 लिख लिया है नहीं लिखा है? यस सर। ओके, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 3+3+3। इसका क्या मतलब है जल्दी से बताइए? 3+3 का पी, ये पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था जल्दी बताइए? टेपल्स। पेरियंट। पेरियंट को। और पेरियंट का मतलब क्या था? टेपल्स ग्रुप। दैट इज ग्रुप ऑफ टेपल्स। क्लियर है? यहाँ पे टेपल टोटल कितने हैं इस जगह पे? टेपल दैट इज 6 हैं। अगर देखा जाए तो एक वर्ल के अंदर 3 टेपल है। एक वर्ल में, एक रिंग में कितने टेपल है? 3 टेपल। तो एक वर्ल में 3 टेपल और फिर एक वर्ल में फिर से कितने टेपल? 3 टेपल। तो आपने इसको कैसे लिख दिया? 3+3। तो इसका मतलब इसके कितने वर्ल हैं? 2। एक वर्ल में कितने? 3। और एक वर्ल में कितने? 3। इसीलिए आपने क्या लिख दिया इसको? 3+3+3। यहाँ लिखा है एंड्रोशियम 3+3। इसका क्या मतलब है? दो वर्ल्ड हैं। पहले में 3 है और दूसरे में 3 है। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। अगर मैंने ये लाइन इसके ऊपर कर दी है, ये लाइन ऐसे करके ऊपर कर दी है, इसका क्या मतलब है? किससे? कौन फ्यूज होगा? स्टैमेंस फ्यूज होगा। ठीक है, कौन फ्यूज होगा टेपल से? स्टैमेन। तो देखो यहाँ पे कितने टेपल थे? 6। कैसे अरेंज थे ये? एक वर्ल्ड में 3 और दूसरे वर्ल्ड में 3। दूसरे वर्ल्ड में 3 है। इसी तरह एक वॉल में देखो ये अटैच है स्टैमिन, एक देखो ये अटैच है स्टैमिन, एक देखो ये अटैच है स्टैमिन। तो इसका मतलब एक वॉल में 3 अटैच्ड है और फिर अगले वॉल में एक ये अटैच्ड है, एक ये अटैच्ड है और एक ये अटैच्ड है। तो देखो दो वॉल में नहीं आ गए स्टैमिन्स? यस सर। और जब दो वॉल में आ गए तो आपने इसको लिख दिया 3+3। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। आया ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. अच्छा अब मुझे ये बताइए कि जो बंदा क्लास में फर्स्ट आता है, क्या आता है क्लास में? फर्स्ट आता है तो उसकी आप नंबर देखते हैं या परसेंटेज देखते हैं? हाँ जी नंबर नहीं देखते आप, परसेंटेज देखते हैं कि कितनी परसेंट आई है। yes, यही बात होती है नहीं होती है? नंबर तो आपको खुद पता चल जाएगा जैसे ही आपको परसेंटेज पता चलेगी, लेकिन जो क्लास में खराब होता है उसको आप उसकी परसेंटेज नहीं देखते। उससे कभी नहीं पूछते आप कि भैया बता तेरी परसेंटेज क्या है। उससे क्या पूछते हो? तेरे कितने नंबर है भाई, तू फेल कितना हो गया, कैसे हो गया? क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। क्या कहा मैंने अभी? कि जो क्लास में फर्स्ट आता है उसकी हम परसेंटेज देखते हैं और जो लास्ट आता है उससे हम नंबर पूछते हैं। तो मुझे ये बताओ इन तीनों फैमिली में नंबर वन पे कौन है? फैबेसी के हम देखेंगे परसेंटेज। क्या देखेंगे? परसेंटेज। और लिलियसी तीसरे नंबर पर है सबसे लास्ट में, तो इसके आप क्या देखेंगे? नंबर। और नंबर अगर देखेंगे तो एडिशन में देखेंगे नंबर, ऐसे ऐड करके देखेंगे नहीं देखेंगे? यस सर। ऐसे इसके ऐड करके देखेंगे। लेकिन जो क्लास में नंबर वन पे था उसकी आपने क्या देखी थी? परसेंटेज। हाँ है ना?
इससे ये समझ में आया कि पैबेसी का फ्लावर जो होगा वो हमेशा कैसा होगा? जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक। सोलेनेसी का फ्लावर कैसा होगा? एक्टिनोमॉर्फिक। लिलियसी का फ्लावर कैसा होगा? एक्टिनोमॉर्फिक। हाँ है ना? यस सर। तीनों जगह पर तीनों फैमिली के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे। तीनों फैमिली में क्या होंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। इससे क्या मतलब समझ में आ रहा है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं? स्टेमेन और कार्पेल दोनों प्रेजेंट होंगे फ्लावर के अंदर। क्या ये बातें सही है या नहीं है? यस सर। इसका मतलब इन तीनों फैमिली के फ्लावर्स कैसे हैं? बताइए जल्दी से। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है? स्टेम एंड पेटल दोनों एक ही में होंगे, एक ही फ्लावर में मौजूद होंगे। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? यस सर। ओके, लिलियसी फैमिली का तो मामला तकरीबन हो गया। अच्छा एक भाव बताइए, जो क्लास में सबसे खराब नंबर लाया है, जो तीसरे नंबर पे है, उसको आप अच्छा कहेंगे बुरा कहेंगे? बुरा। बुरा कहेंगे। तो ये लिख दिया मैंने बुरा। बुरे का मतलब क्या हुआ? ब्रैक्टिएट फ्लावर। किसका होगा ब्रैक्टिएट? लिलियसी का। तो इसका मतलब फ्लावर फ्लोरल फॉर्मूला लिलियसी का कंप्लीट हो गया। तो जब लिलियसी या किसी भी फैमिली का आप फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, किसके बारे में? ब्रैक्टिएट। सबसे पहले लिखेंगे आप ब्रैक के बारे में, उसके बाद लिखेंगे ब्रैक्टियोल्स के बारे में। किसके बारे में? आप मुझे बताते जाइए, सबसे पहले किसके बारे में? ब्रैक। देन ब्रैक्टियोल्स। देन रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। इसके बारे में? रिप्रोडक्टिव। अरे रिप्रोडक्टिव पार्ट तो बाद में आएगा, पहले आप ये बताएंगे कि ये सिमेट्री कैसी है। सिमेट्री बताएंगे। सिमेट्री के बाद क्या बताएंगे? रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट के बाद क्या बताएंगे? कैलिक्स। दैट इज, फिर बताएंगे आप कैलिक्स के बारे में। कैलिक्स का मतलब, आप कैलिक्स का मतलब किसके बारे में बता रहे हैं आप यहाँ? उसके बाद किसके बारे में? कोरोला। दैट इज अ कोरोला के बारे में। इसका मतलब पेटल के बारे में। उसके बाद एंड्रोशियम का मतलब ग्रुप ऑफ स्टैमेन। दैट इज अ ग्रुप ऑफ स्टैमेन। और उसके बाद गाइनेशियम। गाइनेशियम का मतलब दैट इज अ कार्पेल या पिस्टल। कार्पेल। ठीक है, उसके बाद आप बताएंगे कि ओवरी कैसी थी? सुपीरियर इंफीरियर। ओवरी की पोजीशन बता देंगी आप। ठीक है, ओवरी की पोजीशन बता देंगी और नंबर ऑफ कार्पल्स बताएंगे। क्या बताएंगे? नंबर ऑफ कार्पल्स। दैट इज नंबर ऑफ कार्पल्स। हाँ या ना? यस सर। तो सबसे पहले क्या बताएंगे जल्दी से? उसके बाद जल्दी जल्दी बताइए तेज तेज। ब्रैक्टियोल। रिप्रोडक्टिव पार्ट। कैलिक्स। कोरोला। एंड्रोशियम। गाइनेशियम। ओवरी पोजीशन। नंबर ऑफ कार्पल। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हुई है या नहीं हुई है? यस सर। ओके, अगर मैं यहाँ पे मैंने फिलहाल लिखा हुआ है ब्रैक, लिखा है ब्रैक, लिखा है? यस सर। बाकी में मैंने ब्रैक नहीं लिखा है। क्या लिखा है? बाकियों में मैंने ब्रैक नहीं लिखा है। इसका मतलब हो सकता है ब्रैक प्रेजेंट हो सकता है ब्रैक प्रेजेंट ना हो। क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने? कि लिलियसी में ब्रैक है और सेबेसी सोलेनेसी में ब्रैक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नहीं भी हो सकता है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, जल्दी बताइए। यस सर। ओके, ये कौन सी फैमिली, कौन से नंबर की फैमिली है? सोलेनेसी की। तो आपको याद रखना है 555। क्या रखना है? 555। कभी नाम सुना है 555 का? नहीं सुना है? हाँ जी, 555 के बाद क्या याद करना है? फ्यूज। फ्यूज, जल्दी से बताओ क्या याद करना है? 555 फ्यूज। 555 फ्यूज। फ्यूज्ड। तो ये रहा नया, देखिए 555 क्या हो गया? 555 फ्यूज्ड एंड फ्यूज्ड। ये फ्री है। कुछ बात क्लियर हुई या नहीं हुई?
यस यस। और ये अगर देखा जाए तो ये मैंने ऐसे करके लगा दिया, इसका क्या मतलब है? Stamen fused with petal. Stamen fused with petal. Oh, petal. तो जब stamen fused कर जाएंगे petal से तो क्या कहलाती है वो condition? जल्दी बताइए तेज। Epipetalous. Epipetalous. हाँ या ना? Yes, sir. यहाँ पे कौन सी कंडीशन थी जल्दी बताइए? Stamen fused with petal. That is stamen fused. तो that is an epiphyllous. कुछ बातें समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. ये कौन सी फैमिली है? फैबेसी के अंदर अगर आपको याद हो तो एस्टिवेशन कैसा था फैबेसी में? मैंने आपको एस्टिवेशन पढ़ाया है, कितने तरीके के पेटल थे जल्दी बताइए। हाँ जी, एक ऐसा था, एक ऐसा था, एक ऐसा था, एक ऐसा था। yes, जल्दी से yes, ये वाला क्या कहलाता था? स्टैंडर्ड। ये क्या कहलाते थे? विंग्स। दैट इज अ विंग या यस सर एला। और इसका नाम क्या है? दैट इज अ कील या कील। करीना, करीना कपूर जानते हो? नहीं सर। या नहीं जानते हो? तो के से भी आ जाएगा करीना और सी से भी आ जाएगा करीना, समझ गए बात? ये नहीं है तो के से भी करीना, सी से भी करीना। और स्टैंडर्ड का दूसरा नाम वैक्सिलम। क्या ये कितने तरीके के पेटल हैं यहाँ पर? कितने तरीके के हैं? तीन। तीन। सबसे बड़ा कौन सा है? स्टैंडर्ड। दैट इज स्टैंडर्ड या वैक्सिलम। तो मैंने लिख दिया वन प्लस। ये उससे छोटे दो हैं, क्या कहते हैं उनको आप? विंग। तो उसको आप कह देते हैं दैट इज अ विंग। दो। क्या ये दोनों फ्यूज्ड है नहीं है? जल्दी बताइए, ये दोनों फ्यूज्ड है नहीं है? यस सर। ये वाले कहाँ है फ्यूज? ये तो फ्री है। नो सर। ये तो फ्री है, लेकिन ये जो छोटे वाले हैं ये फ्यूज्ड हैं। ये छोटे वाले फ्यूज्ड हैं। तो इसका मतलब और मैं क्या लिखूं इस फॉर्मूले में जल्दी बताइए? प्लस प्लस ब्रैकेट में टू। अब आई कुछ बात समझ में। तो प्लस ब्रैकेट में टू का क्या मतलब हो गया? वो फ्यूज्ड हैं। फ्यूज्ड है। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? यस सर। ओके, यहाँ पर भी कैलिक्स इसी के जैसा है, डेट इज फाइव ही है। कितना है? फाइव है। क्लियर है ये बात? नहीं है? यस सर। ओके, ये बताइए कि यहाँ पर पेबेसी के अंदर एंडोशियम कैसा था? हाँ जी, क्या कंडीशन थी यहाँ पर? डायडल्फस। किसको कहते थे डायडल्फस? स्टेमेंस फ्यूज्ड टू फॉर्म टू बंडल्स। स्टैमेन जो है दो बंडल्स में मिलेंगे। स्टैमेंस कितने बंडल में मिलेंगे? दैट इज टू बंडल्स में। तो एक बंडल में कितने होंगे? नाइन होंगे। और एक बंडल में कितने होगा? एक। क्लियर है? ये क्वालिटी किस फैमिली की है? फैबेसी। That is a फैबेसी। तो फैबेसी में मैं यहाँ पे क्या लिखूं एंड्रोशियम के आगे जल्दी बताइए? नाइन ब्रैकेट प्लस वन। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस यस सर। जल्दी बताइए, सारी चीजें समझ में आ गई या नहीं? यस यस। लेकिन एक फैमिली को हमने बाहर निकाल दिया था, याद है कौन सी फैमिली थी ये वाली? यस सर, ब्रैसिकेसी। और ब्रासिकेसी को अगर याद हो तो मैंने फोर्थ नंबर पे रखा है। किसको? ब्रासिकेसी को मैंने किस पे रखा है? फोर्थ नंबर पे। अगर फोर्थ नंबर पे है तो ये बुरी होगी अच्छी होगी? बुरी। बुरी। ओके लियार। अच्छा, अगर देखा जाए तो पहले वाली फैमिली की परसेंटेज आई थी, बाकी सबके क्या आएंगे? नंबर। तो इसका मतलब इसके भी नंबर आ गए। और फिर क्या देखते थे हम सिमेट्री के बाद जल्दी बताइए? रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये भी बाइसेक्सुअल है। कैसा है ये? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। उसके बाद क्या देखेंगे जल्दी बताइए? कैलिक्स। कैलिक्स कितना? अच्छा कैलिक्स है। फिर क्या देखेंगे? कोरोला। फिर एंड्रोशियम। गाइनेशियम। कैसे याद करना था इसको? कैसे याद करना था? काली चरण आ गया। क्लियर है ये बात? नहीं है?
यस सर। ओके अच्छा ये ब्रैसिकेसी किसके जैसा था, ये फैमिली किसके जैसा? सोलेनेसी में कार्पेल कितनी थी, कार्पेल कितनी थी सोलेनेसी में? अभी जरा अभी जल्दी से आप मेरा ही नाम लिख लीजिए, वहीं से पता चल जाएगा। दो थी कार्पेल, दो थी या नहीं थी? देखिए ये रही दो, दोनों फ्यूज्ड ओवरी सुपीरियर, किसके जैसी है ये फैमिली? तो देख लीजिए कार्पेल कितनी है, तो बताइए इसको क्या पढ़ेंगे, जल्दी बताइए क्या पढ़ेंगे। कार्पल दो हैं जो कि फ्यूज, अरे बाई कार्पलरी सिनकार्पस ओवरी सुपीरियर फ्लावर हाइपोगाइनस। क्लियर है बात? ठीक है अब यहाँ पे देख लीजिए ये फोर्थ नंबर पे आ रही थी या नहीं आ रही थी? यस यस सर। तो देखो टू और टू सेपल हैं, कितने सेपल हैं टोटल? फोर। देख लो जरा फोर, और कैसे यहाँ पे मैंने कैसे लिखा है टू प्लस टू, इसका क्या मतलब है? दो सेपल ऐसे हैं, दो सेपल ऐसे हैं, तो कितने हो गए टोटल? फोर। फोर, तो इसका मतलब सेपल कैसे लगे हुए हैं जल्दी बताइए। पहले दो प्लस दो, अरे दो वर्ल में लगे हैं, एक वर्ल में दो सेपल और दूसरे वर्ल में दो सेपल, समझ गए या नहीं? आइए इसमें सी में क्या आएगा, सी में क्या आएगा जल्दी बताइए? पेटल आएगा, सेपल आएगा, एप्पल आएगा, क्या आएगा? पेटल। पेटल कौन सी फैमिली है? ब्रैसिकेसी। ब्रैसिकेसी का दूसरा नाम क्या है? क्रूसिफर। क्रूसिफर का मतलब क्या होता था? क्रॉस शेप, एक्स शेप होता था या नहीं होता था? यस सर। इसका मतलब एक पेटल ऐसे, एक पेटल ऐसे, एक पेटल ऐसे, एक पेटल ऐसे, ऐसे करके क्रॉस था या नहीं था? हाँ, तो जब क्रॉस था तो हमने इसको लिख दिया क्या, ये चारों एक ही वर्ल में है अलग अलग में? एक ही में, एक में है, तो फोर, और मैंने आगे लिखा दिया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का निशान क्या बता रहा है? क्रूसीफॉर्म, क्रूसीफॉर्म में है, डाडेदा क्रूसीफॉर्म या एक्स शेप में है, या किस शेप में है? एक्स शेप। एक्स शेप में, क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। ओके ब्रैसिकेसी के अंदर अगर याद हो तो टेट्रा डायनामस कंडीशन थी, कौन सी कंडीशन थी? टेट्रा डायनामस। साढ़े दा टेट्रा डायनामस, इसका क्या मतलब है? सिक्स स्टेमेंस होंगे, सिक्स स्टेमेन होंगे और फोर लॉन्ग होंगे और टू शॉर्ट होंगे, इसका मतलब दो शॉर्ट स्टेमिन है और चार लॉन्ग स्टेमिन है, हाँ है ना? यस सर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ टू प्लस फोर, नहीं लिख सकता? यस सर। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, ये फ्लोरल फॉर्मूला किसका बन गया? ब्रैसिकेसी फैमिली, ब्रैसिकेसी फैमिली का, हाँ है ना? यस सर। आइए फ्लोरल डायग्राम पर, तो दिस इज द फ्लोरल डायग्राम, तो दिस इज द फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम जब हम दिखाते हैं तो देखिए सबसे बाहर वाला जो ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है इसको आप कहते हैं, ये क्या है सबसे बाहर क्या दिखाए हैं हमने? सेपल्स। सेपल्स, सेपल्स का मतलब क्या हुआ, हम किसको दिखा रहे हैं सेपल में? हाँ जी, कैलिक्स को, की बात है। अच्छा yes, इसके बाद इसके अंदर ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है या नहीं आ रहे? यस yes, सर। तो ये सैपल अलग नजर आ रहे हैं, उसके अंदर क्या है ये? दैट इज द पेटल्स। पेटल्स है या नहीं है? पेटल्स का मतलब क्या yes, हुआ, इसकी बात कर रहे थे? कोरोला। कोरोला, तो सबसे बाहर क्या आया जल्दी से बताइए? सैपल्स। उसके Saples. अंदर क्या है? पेटल्स। पेटल्स, उसके बाद मैंने कहा कि ये हैं बेसिकली स्टैमंस। क्या है ये? स्टैमंस। स्टैमंस, स्टैमंस का मतलब क्या हुआ? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, दैट इज एन एंड्रोशियम, पक्की बात है? यस सर। और अगर देखा जाए तो ये जो सेंट्रल पार्ट है दिस इज द गाइनेशियम। क्या है? गाइनेशियम।
और अगर गाइनेशियम में अगर देखा जाए तो एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है या नहीं है? यस सर। या फिर इसको ऐसे करके देख लीजिए, तो एक ऊपर का पार्ट है, एक नीचे का पार्ट है, एक ये वाला, एक ये वाला, तो इसमें कितनी कार्पल नजर आ रही है बताइए? एक ये कार्पल नीचे वाली ये रही, नहीं two. एक कार्पल ये रही, तो कितनी कार्पल है? टू। तो यहाँ पर टू कार्पल्स हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? टू कार्पल्स हैं। क्या ये बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए कि ये एक वर्ल है, ये वाला वर्ल, ये वाला एक वर्ल है, दिखाई दे रहा है ये वर्ल? इस वर्ल के अंदर स्टैमिन के, इस वर्ल में कितने लगे हैं स्टैमिन? फोर। That is four लगे हैं। प्लस मैंने कहा कि अब अगर इसकी बात करें तो इस वॉल में देखिए जरा कितने लगे हुए हैं? टू। That is four प्लस टू। कहीं आ रही बात को समझ में? सेपल यहाँ पर कितने हैं जरा बताइए? सेपल फोर। कितने सेपल? एक ये सैपल, एक ये सैपल, एक ये सैपल, एक ये सैपल, कितने? फोर। और अगर देखा जाए तो ये एक वॉल है, ये वाला एक वॉल? यस सर। यस सर। नहीं है, और एक ये वाला वॉल नहीं है? यस सर। बताइए तो कितने वॉल में लगे सैपल? फोर जो लगे। टू वॉल। तो डायरेक्ट टू प्लस टू लिख सकता हूँ? नहीं। यस सर। यस सर। क्या ये पेटल भी दो वॉल में लगे हैं या एक ही वॉल में है? एक ही वॉल में। तो डायरेक्टली मैंने यहाँ लिख दिया फोर। और ये किस शेप में लगे होते हैं? डेट इज एक्स शेप में। लिख दिया, कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा, इसको हम कहते हैं मदर एक्सेस। ये क्या कहलाता है? मदर एक्सेस। डेट इज मदर एक्सेस। बात यहाँ तक क्लियर है या नहीं है बताइए? यस सर। मदर एक्सेस के ठीक सामने मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर? तो मदर एक्सेस क्या है? जिस एक्सेस के ऊपर फ्लावर आ रहा है उस एक्सेस को हम कहते हैं मदर एक्सेस। अभी अभी दिखाता हूँ। और ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है दिस इज कॉल्ड एज ब्रैक्ट। ये क्या कहलाता है? ब्रैक्ट। मैंने कहा देखो ऐसे करके ये एक्सेस था, क्लियर है? इस एक्सेस पर ये आ गया ब्रैक्ट। ये क्या है? ये छोटा सा दैट इज अ ब्रैक्ट। और अगर ब्रैक्ट आ गया है तो देखो ये इस ब्रैक्ट से ऐसे करके अगर देखा जाए तो ये फ्लावर आ गया, आया ना? यस सर। तो मुझे ये बताइए कि ये वाली एक्सिस कौन सी कहलाएगी, जल्दी बताइए? मदर एक्सिस। मदर एक्सिस। क्यों कह रहे हैं हम इसको मदर एक्सिस? इस पे फ्लावर आएगा। इस पे फ्लावर आ गया। और देखो ये ऐसा स्ट्रक्चर, देखो डॉट जैसा मैंने यहाँ बना दिया है। इस एक्सिस के और ब्रैक के बीच में देखिएगा ये ब्रैक यहाँ पर, तो ये ऐसे करके नहीं है, देखिए ऐसे करके एंगल। और यहाँ पर अगर देखें तो फ्लावर है या नहीं है? यस सर। ये हो गई मदर एक्सिस। ये क्या था? ब्रैक। ब्रैक। तो मैंने कहा मदर एक्सिस के ठीक सामने नहीं होगा ब्रैक? यस यस। मदर एक्सिस के ठीक सामने ब्रैक्ट होगा या नहीं होगा? यस यस। देख लीजिए ये है मदर एक्सिस। जब मदर एक्सिस दिखाइए तो इसके ठीक सामने क्या है? ये ब्रैक्ट। दैट इज अ ब्रैक्ट। तो ब्रैक्ट हमेशा किसके सामने होगा? मदर एक्सिस के सामने। दैट इज मदर एक्सिस के ठीक सामने होगा ब्रैक्ट, आया ना? यस यस। बताइए सभी लोगों को ये बात समझ में आई या नहीं आई? फॉर्मूला फ्लोरल डायग्राम समझ में आया नहीं आया? यस सर। ठीक है, मुझे जल्दी से ये बताइए कि इस फैमिली की अगर हम बात करें तो ये कौन सी फैमिली की बात हो रही है सबसे पहले? फैबेसी, लेगुमिनेसी या पेप्लोनेसी, ये कौन सी फैमिली है? डाइकॉट। डाइकॉट। और इस फैमिली की बात करें तो इस फैमिली में, हाँ जी, इस फैमिली में कौन आता है इस फैमिली में? दैट इज लेग्यूम्स। लेग्यूम जानते हैं? दैट इज पी आ जाएगा। इसी तरह पल्सेस आ जाएंगी, ठीक है, पल्सेस आ जाएंगी। इसी तरह सोयाबीन आ जाएगी,
क्या आ जाएगी? सोयाबीन ईटीसी कर दिया। ग्राम भी आ जाएगा, ग्राम भी, दैट इज चना। ठीक है, ये सब आ जाएंगे इसमें। यहां तक क्लियर? Yes, अच्छा, लेगुमिनेसी जो है वो कहाँ कहाँ पे फैली हुई है फैमिली? इसी पर्टिकुलर प्लेनेट, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब हमने बात की वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की, तो वेजिटेटिव कैरेक्टर का मतलब हम किस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं? रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो ये बताइए कि क्या फैबेसी फैमिली के अंदर ट्रीज होंगे, श्रब्स होंगे या हर्ब्स होंगे? तीनों तीनों होंगे। ट्री की पहचान है इसमें वुड होगी। ट्री की क्या पहचान है? वुड। और हर्ब्स की पहचान है एब्सेंट होगी वुड। हर्ब्स की क्या पहचान है? वुड एब्सेंट। तो मैंने कहा कि श्रब की बात करें तो मैंने कहा कि प्रेजेंट ओल्डर पार्ट इन ओल्डर पार्ट, एब्सेंट इन यंगर पार्ट। ओल्डर पार्ट और एब्सेंट इन यंगर पार्ट, ये आपको अच्छे से पता है। Yes. उसके बाद मैंने कहा कि इनके अंदर जो फैबेसी फैमिली है इनके रूट्स में क्या मौजूद है? नोड्यूल्स। दैट इज अ रूट नोड्यूल्स। और रूट नोड्यूल्स में कौन रह रहा है? राइजोबियम। और इसका काम क्या है राइजोबियम का? फिक्स नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम है, नाइट्रोजन फिक्स करा रहा है। इसका मतलब एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट नाइट्रोजन वाले कंपाउंड में चेंज कर रहा है। रूट कैसी होगी इसमें? Taproot. इसके बाद स्टेम कैसा होगा? इरेक्ट भी हो सकता है, क्लाइंबर भी हो सकता है। क्लियर? इसके बाद आ जाइए लीव्स। लीव्स कैसी होंगी? ऑल्टरनेट का क्या मतलब है? एक नोड से एक निकलेगी। और सिंपल होगी या कंपाउंड? कंपाउंड दोनों होगी। सिंपल भी होगी, कंपाउंड भी होगी, लेकिन कंपाउंड कौन से टाइप की होगी? Pinnate. Pinnately compound होगी। इसका मतलब किसकी तरह होगी? Feather-like. क्या ये बात सही है? Yes, sir. Leaf base क्या कहलाता है इस केस में? Pulvinous. Pulvinous. और लीव स्टिपुलेट होगी या एक्स स्टिपुलेट होगी? स्टिपुलेट का क्या मतलब है? Stipules present होंगे। और अगर स्टिप्यूज एबसेंट हो जाते तो एक्स स्टिपुलेट। अच्छा ये बताइए फैमिली कौन सी थी? मोनोकॉट, डाइकॉट? डाइकॉट। तो इसका मतलब वेनेशन कैसा होगा यहाँ पर? रेटिकुलेट। और अगर मोनोकॉट होता तो कैसा वेनेशन होता? पैरेलल। तो डेट इज पैरेलल। तो देखिए तीनों चीज आ गई, रूट स्टेम लीव्स आ गई या नहीं? यस सर। तो अब हम बात करते हैं डेट इज अ फ्लोरल कैरेक्टर्स की। किसकी बात कर रहे हैं हम? फ्लोरल कैरेक्टर्स। तो फ्लोरल कैरेक्टर्स में हम किसकी बात करेंगे मेनली, बताइए? पेटल्स। हम बात करेंगे फ्लावर। किसकी बात करेंगे फ्लोरल कैरेक्टर्स में? फ्लावर की। तो फ्लावर के कैरेक्टर में सबसे पहले आ जाता है इनफ्लोरेसेंस। क्या आ जाता है? इनफ्लोरेसेंस। तो मैंने इनफ्लोरेसेंस के लिए कहा कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सेस। क्या मतलब है इस बात का? फ्लोरल एक्सेस पे फ्लावर्स का अरेंजमेंट, अरेंजमेंट दैट इज कॉल्ड एज इनफ्लोरेसेंस। उसको क्या कहते हैं आप? इनफ्लोरेसेंस। यहां तक बातें समझ में आ गई इनफ्लोरेसेंस या नहीं? Yes, sir. तो अब इनके अंदर अगर देखा जाए तो इनके अंदर है रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस। कौन सा है? रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस। रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस है। रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस में क्या होता है कि यह टर्मिनल टिप लगातार ग्रो कर रही है और फ्लावर ऐसे करके ग्रो होते चले जा रहे हैं। फिर ये आ गया, फिर ये। तो आप यहाँ पे क्या पा रहे हैं कि टर्मिनल टिप क्या होती जा रही है? ग्रो करती जा रही है लगातार। यस सर। और लगातार फ्लावर निकलते चले जा रहे हैं। क्या ये बात सही है या नहीं है? यस सर। इस तरीके के इन्फ्लोरेसेंस को आप क्या कहते हैं? रेसिमोज। और एक है रेसिमोज होता है और दूसरा होता है साइमोज। दूसरा कौन सा होता है?
साइमोस। तो ये मैंने लिख दिया है डेट इज अ साइमोस। तो इनफ्लोरेसेंस फिलहाल कितने टाइप का है? दो टाइप। टू टाइप लेसिमोस एंड साइमोस। लेसिमोस एंड साइमोस। लेसिमोस एंड साइमोस, क्या ये बात सही है? लेसिमोस कब होगा? यस सर, जब टिप ग्रो करती जा रही। टिप ग्रो करती रहेगी। तो मैंने कहा कि टिप ग्रो कंटिन्यूअसली, टिप ग्रो कंटिन्यूअसली एंड बियर फ्लावर लेटरली एंड बियर फ्लावर्स लेटरली, क्या ये बात सही है? यस सर। क्या समझ में आया इस बात से? लिटरली फ्लावर्स बियर करता रहेगा। तो इनफ्लोरेसेंस कैसा है फैबेसी में? रेसिमोस। अच्छा ठीक है, फ्लावर बताइए, फ्लावर कैसा है जल्दी से बताइए, ये तो आप बता ही देंगे। बाइसेक्सुअल फ्लावर था या नहीं था? फ्लोरल फॉर्मूले में देख लीजिए, अभी आपने लिखा है जाइगोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। तो फ्लावर कैसा है बताइए फैबेसी फैमिली में? बाइसेक्सुअल जाइगोमॉर्फिक। बाइसेक्सुअल एंड जाइगोमॉर्फिक, हाँ या ना? यस सर। ओके, इसके बाद आ जाइए कैलिक्स। कैलिक्स के बारे में खुद बताइए जल्दी से, क्या है कैलिक्स? ऑब्वियस बात है, फाइव सेपल्स फ्यूज्ड। ठीक है, फ्यूज को क्या कहते थे आप? गैमोसेपल्स याद है? नहीं है? यस सर। और अरेंज कैसे हैं? तो इसमें वेलवेट एस्टिवेशन है, वेलवेट है या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है? एस्टिवेशन तो जानते होंगे। यस सर। तो ये एस्टिवेशन हम किसकी बात कर रहे हैं, सेपल के या पेटल के? सेपल्स। और पेटल के अंदर एस्टिवेशन कैसा होगा जरा जल्दी बताइए। क्विंक्विंशियल होगा, उसके अलावा? क्विंक्विंशियल नहीं होगा, उसके अलावा बताइए जल्दी से। सर आपने तो वही बताया था अभी थोड़ी देर पहले। वैक्सिलरी एस्टिवेशन, वैक्सिलरी एस्टिवेशन नहीं बताया था? नहीं। वैक्सिलरी एस्टिवेशन बताया था, मैंने कहा वैक्सिलम है या नहीं है यहाँ पर, और उसमें ऐसे करके पेटल्स लगे हुए थे, नहीं है? ये नहीं बताया था, बताइए। यस सर। अच्छा ठीक है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन है। आगे बढ़ू तो कैलिक्स के बाद क्या आएगा? कोरोला। कोरोला, कोरोला कितने जल्दी बताइए, कोरोला में कितने पेटल्स हैं? तो आप बताइए ना जल्दी जल्दी से, क्या है बताइए, पेटल्स फ्यूज्ड है या फ्री है? अरे फॉर्मूले से ही देख लो यार, फॉर्मूले से पता चल जाएगा। दो फ्यूज्ड होंगे। कितने फ्यूज्ड हैं? दो। और बाकी दो। बाकी फ्री हैं या नहीं है सारे? तो आप क्या कहेंगे फिलहाल? पॉलीपेटलस। का मतलब क्या है? पेटल्स आर फ्री। पेटल्स आर फ्री हैं। अच्छा एस्टिवेशन कैसा है? वैक्सिलरी। अच्छा मैं आपको अगर लिख के भी दिखा दूं तो पेटल्स का अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार का है, ठीक है? और क्या है? यस वैक्सिलरी, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, एस्टिवेशन है, हाँ है ना? यस सर। बताइए जल्दी से। यस सर। ओके, वेस्टिवेशन वैक्सिलरी हो गई। अच्छा इस फैमिली का क्या नाम था? पेपलोनेशिया। तो इसी का एक और भी नाम, दैट इज अ पेपलोनेशियस एस्टिवेशन भी कहते हैं इसी को। क्या कहते हैं हम? पेपलोनेशियस एस्टिवेशन। बात यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं? यस सर। स्टैमिन के बारे में, स्टैमिन के लिए क्या टर्म लिखेंगे हम यहाँ पर? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के बारे में खुद बताइए जल्दी से, क्या है एंड्रोशियम? टेन। हाँ जी, कितने हैं?
टेन टेन फिर कैसे अरेंज है? नाइन प्लस क्या लिख दो बंडल में है या नहीं है? टू बंडल डाई एडेल्फस That is diadelphus और anther जो होंगे वो anthers या anthers anther जो होगा वो bithecus होगा. ये बताइए bithecus anther का क्या मतलब है? तो मैंने यहां लिखा है anther have two lobes. anther के अंदर कितनी lobes हैं? Two lobes. तो इसीलिए क्या कहला रहा है anther? Bithecus. अगर याद होगा तो मैंने ऐसे करके एंथर बनाया था, याद है? Yes, sir. इस तरीके से ये एंथर था या नहीं था? Yes, तो दिस इज एन एंथर एंड दिस वन इज फिलामेंट. क्या ये बात सही है? तो एंथर के अंदर यहाँ पे एक लोब ये रही, एक लोब ये रही, तो कितने लोब है यहाँ पर? टू लोब. दो. और जब एंथर में दो लोब है तो आप इसको क्या कहते हैं? Bithecus. Bithecus anther. एंड्रोशियम के बाद क्या आएगा, जल्दी से बताइए. गाइनेशियम. गाइनेशियम. गाइनेशियम के बारे में क्या जानते हैं, बताइए जल्दी से. मोनोकार्पलरी. ओवरी सुपीरियर. तो आपने पहले कह दिया मोनोकार्पलरी. मोनोकार्पलरी के बाद ओवरी ओवरी सुपीरियर. उसके अलावा हाइपोगाइनस. ओवरी सुपीरियर. अच्छा ये बताइए कि ओवरी के अंदर कितने चैम्बर थे, कितने होंगे? पहली बात ये बताइए इसमें प्लासेंटेशन कौन सा था बेबेसी में? मार्जिनल. मार्जिनल प्लासेंटेशन था या नहीं था? मटर था या नहीं है बेबेसी में? यस सर. जब मटर है तो प्लासेंटेशन कैसा है? मार्जिनल. और मार्जिनल प्लासेंटेशन के अंदर ओवरी के अंदर कितने के चैम्बर होते थे? एक. एक. तो इसका मतलब यूनिलॉक्युलर. क्या कहलाएगा ये? यूनिलॉक्युलर. यूनिलॉक्युलर. यूनिलॉक्युलर का मतलब क्या है? सिंगल चैम्बर. सिंगल चैम्बर. और सिंगल चैम्बर के अंदर सीड एक होगा या अनेक होंगे? अनेक. विद सीड को क्या कहते थे हम? Ovule. With many ovules. क्या ये बात सही है या नहीं है? Yes, yes, sir. Okay. अच्छा जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई? Yes, आ जाइए फ्रूट पर. फ्रूट पर तो इसके अंदर जो फ्रूट आता है उस फ्रूट का पर्टिकुलरली नाम है लेग्यूमिनस फ्रूट. कौन सा फ्रूट है? लेग्यूमिनस फ्रूट. और इसमें सीड होगा, समझ गए? सीड होगा. और सीड जो है वन हो सकता है और मैनी हो सकते हैं. क्या हो सकते हैं? वन और मैनी. मैनी. क्या इनके अंदर इनके सीड में एंडोस्पर्म होगा या नहीं होगा, कैसे पहचानेंगे? क्या इनके कॉटिलीडन ऐसे होते हैं? यस सर. नहीं होते इनके कॉटिलीडन ऐसे होते हैं. अगर इनके कॉटिलीडन के अंदर फूड भरा हुआ है तो एंडोस्पर्म एब्सेंट है. क्या कहा मैंने? अगर इनके कॉटिलन के अंदर फूड भरा हुआ है तो फिर बस आप इतना समझ लीजिए. आप इतना समझ लीजिए अगर कॉटिलिडन दिख रहे हैं आपको. क्या दिख रहे हैं? कॉटिलिडन. कॉटिलिडन दिख रहे हैं तो एंडोस्पर्म एब्सेंट है. और अगर कॉटिलिडन नहीं दिख रहे हैं तो एंडोस्पर्म प्रेजेंट है. क्या समझ में आया? कॉटिलिडन दिख रहे हैं तो एंडोस्पर्म एब्सेंट है और नहीं दिख रहे तो प्रेजेंट है. तो मुझे ये बताओ कॉटिलिडन कब नहीं दिखेंगे? मैं अभी बताता हूँ. आपने कभी वो देखा है मेस का दाना? पॉपकॉर्न जो होता है क्या? पॉपकॉर्न के अंदर अच्छा वो देखा है, क्या कहते हैं मेज जिसको कहते हैं, भुट्टा जिसको कहते हैं, उस भुट्टे के अंदर कॉटिलीडन देखे हैं क्या? नहीं. नहीं देखे ना उसमें कॉटिलीडन. जब कॉटिलीडन उसमें नहीं दिख रहे तो सीड कैसा है? सीड के अंदर एंडोस्पर्म होगा या नहीं होगा? होगा. होगा. फिलहाल इस वाले केस में बताइए, इस वाले केस में एंडोस्पर्म है या नहीं है? नहीं. हाँ जी नहीं है. कैसे पता चला एंडोस्पर्म नहीं है?
कॉटिलेडन है. कॉटिलेडन है. तो आपने लिखा है सीड में बी वन और मैनी और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होगा. कैसा होगा? नॉन एंडोस्पर्मिक. नॉन एंडोस्पर्मिक. कैसे पता चला नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है? कॉटिलेडन दिख रहा है जी. तो एंडोस्पर्म होगा या नहीं होगा? नहीं होगा. तो एंडोस्पर्म एब्सेंट है. क्या ये बात सही है या नहीं है? यस सर. ओके. जेबा तो है नहीं शायद. है सर. ओके. तो फ्लोरल फॉर्मूला आप बताइए जल्दी से फैबेसी का. जल्दी से मैं क्या करूं? जल्दी से क्या क्या लिखूं? जल्दी से कैसे करेंगे आप? हाँ जी. सबसे पहले क्या आता था जल्दी से बताइए. और कोई बताएगा? कोई भी बताए जल्दी से बताइए. सर ब्रैक्ट जी. मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट. ठीक है आगे बढ़ जाइए. जब प्रेजेंट और एब्सेंट दोनों है तो हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं उसके बारे में. उसके बाद ये सिमेट्री जाइगोमॉर्फिक. ठीक है जाइगोमॉर्फिक. ठीक है बाइसेक्सुअल. ठीक है और क्या होगा उसके बाद? क्या आता था? कैलिक्स. और याद कैसे करा था? पहले डायरेक्टली लिख लीजिए. काली चरण आ गया. ठीक है. अच्छा कार्पेल कितनी? वन. ओवरी? सॉरी सर वन वन. ओवरी सुपीरियर. ठीक है जल्दी से कैलिक्स बताइए. कैलिक्स क्या है? फाइव फ्यूज. फाइव फ्यूज. फ्यूज का मतलब? फ्यूज है. गैमोसेप्लस. ठीक. जल्दी से इसके पेटल्स के बारे में बताइए जल्दी से. वन प्लस टू प्लस टू ब्रैकेट में. क्लियर है? पॉलीपेटलस या गैमोपेटलस? पॉलीपेटलस. कैसे पता पॉलीपेटलस? क्योंकि ये तीनों के तीनों सब प्री हैं. ठीक है स्टेमिस बताइए जल्दी से. नाइन प्लस वन और नाइन फ्यूज है. तो इसका मतलब कितने बंडल? टू बंडल्स. टू. और जब टू बंडल्स हैं तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे आप? डाइएडल्फस. क्या ये फॉर्मूला समझ में आया नहीं आया? यस सर. जल्दी बताइए हाँ या ना. यस. ओके आप जरा ये देखिए जल्दी से. ये देखिए ये देखिए. अब हमें बनाना है डेट इज अ फ्लोरल डायग्राम. क्या बनाना है? फ्लोरल डायग्राम. डेट इज अ फ्लोरल डायग्राम. सबसे बाहर वाला रिंग कौन सा होगा जल्दी बताइए. स्टैमेन. सबसे बाहर वाला सर्कल कौन सा होगा? सेपल. सेपल. उसके बाद वाला कौन सा होगा? पेटल. पेटल्स. हाँ जी. पेटल्स. उसके बाद वाला कौन सा होगा? अच्छा जी ये सबसे अंदर बाहर सबसे बाहर वाला कर लेते हैं. सबसे बाहर वाला कौन सा? सेपल. सेपल. सेपल के अंदर कौन सा? पेटल. पेटल के अंदर कौन सा? स्टेमेन. स्टेमेन के अंदर कौन सा? कार्पेल. कार्पेल. क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो अब देख लीजिए फ्लोरा डायग्राम को कैसे बनेगा. फ्लोरा डायग्राम तो फ्लोरा डायग्राम की अगर बात करते हैं तो इसमें जल्दी से बाहर वाले रिंग में क्या था जल्दी बताइए. सबसे बाहर क्या है? फाइव सेपल्स है. देखिएगा दो तीन चार पांच. एक ये क्लियर है यहां तक बात? सेपल्स को याद होगा आपको हम कोने बनाते थे ऐसे करके सेपल में. यस यस सर. नहीं है? हाँ जी याद है. ये कोने बन गए. यस सर. ये कोने बन गए. इसी तरह ये कोने बन गए. इसी तरह ये कोने बन गए. तो ये कितने हैं सेपल? फाइव. तो देख लीजिए अब ये क्या है.
आज बन गए, ये तो बड़ा अजीब बना। यस सर। यस सर। क्या मुसीबत है। चलो यार ये ठीक है। ठीक है, इसके अंदर क्या बनेंगे? पेटल्स। पेटल्स आएंगे। पेटल्स कितने हैं इसमें, कैसे हैं? 1, 2 और 2 फ्यूज्ड। 2 फ्यूज्ड। तो देखिए मैंने इसको बनाया ऐसे, तो एक तो ये क्या इसमें कोने बनेंगे? नो सर। नहीं। नो सर। ओके, ये देख लीजिए इनके मार्जिन अंदर है या नहीं है, देख रहे हैं? यस सर। ओके, और ये देखिए और छोटे हो गए, और इसको मैंने आपस में ऐसे जोड़ दिया है, दिखाई दे रहा है जुड़ा हुआ? यस ऐसे करके था, ऐसे करके था, और मैंने यहाँ पे ये लगा दिया। इसका मतलब ये क्या है? फ्यूज्ड हो गए। फ्यूज्ड क्या हो गए? फ्यूज। तो देख लो ये फ्यूज्ड हो गए, नहीं हो गए? यस सर। ओके, स्टैमिन को बताइए कैसे लगे हुए हैं स्टैमिन? यहाँ पर ये सेपल जो है आपस में फ्यूज्ड है सेपल या फ्री है? फ्री है, जबकि यहाँ फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है? सफल कैसे है? फ्यूज। तो इसको फ्यूज कैसे करें हम? मिला देंगे। ये मिला दिया। हो गए फ्यूज या नहीं हो गए? यस सर। इन दोनों को फ्यूज कर ही दिया था, इसके बाद ये हो गया। आप क्या आएगा? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम आएगा। एंड्रोशियम में कितने हैं? 9 plus 1। तो इसका मतलब ये मैंने एक लाइन ऐसे करके खींच ली ताकि आसानी रहे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे क्या है? स्टैमिन्स। और सारे फ्यूज्ड हैं या नहीं है? फ्यूज्ड हैं। तो एक बंडल में कितने स्टैमिन्स है? 9। और दूसरे बंडल में कितने हैं? 1। तो देखो ये अकेला ये रहा, ठीक है? नहीं है? यस सर। इसके बाद ओवरी यूनिलोक्युलर है या मल्टीलोक्युलर है या बाइलोक्युलर है, कैसी है? यूनिलोक्युलर है। तो यूनिलोक्युलर है तो इसका मतलब हुआ कि ये है सिंगल चैम्बर, समझ रहे हैं? तो ये बेसिकली ये क्या है, ये क्या है? सीट दिखाई दे रहा है, ये मार्जिनल प्लासेंटेशन नजर आ रहा है, याद है? नहीं, ये मार्जिनल प्लासेंटेशन ऐसी तो दिखाते थे। यस सर। तो ये बन गया आपका फ्लोरल डायग्राम। क्या ये बातें समझ में आ गई? यस सर। नहीं आई है बताइए जल्दी से, समझ में आई है नहीं आई है? आ गई सर। यस सर। ओके मटर, ये बताइए कि फैमिली किस फैमिली से नाम से जानी जाती थी? फैबेसी फैमिली का दूसरा नाम क्या था? Leguminaceae। इसके अलावा एक और बड़ा अच्छा सा नाम है, या ये नाम है, दैट इज अ मटर की फैमिली। किसकी फैमिली? पी फैमिली। पी फैमिली का मतलब कौन सी फैमिली है? ये फैबेसी फैमिली, दैट इज अ फैबेसी। तो एग्जांपल में बताइए जल्दी से कौन कौन आएगा एग्जांपल में? पी, दैट इज मटर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? ग्राम, सोयाबीन आ जाएगा। किसी ने बताया, नया ने बताया, डेट इज पल्सेस आ जाएंगे। क्या ये बात सही है या नहीं है? यस सर। इवन ग्राउंड नट देखा है कभी? नहीं। यस सर। ये आ जाएगा, और इंडिगो फेरा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इंडिगो फेरा आ जाएगा। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो मुलेटी का नाम सुना है? नो सर। मुलेटी जो है जुखाम में या गला सही करने में बहुत अच्छी चीज है, बहुत जबरदस्त चीज। तो ये मुलेटी भी इसी में आती है, ठीक है? मुलेटी देख लिया? नहीं। यस। इसी तरह ल्यूपिन जो है ये भी आ जाएगा, इसी तरह स्वीट पी भी आ जाएगा। कौन आ जाएगा? स्वीट पी। स्वीट पी। यहाँ तक ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? फैबेसी फैमिली के। समझ गए यहाँ तक या नहीं? यस सर। नेक्स्ट हेडिंग क्या डाल ली आपने? सोलेनेसी।
दैट इज अ सोलेनेसी.